पीयूष गोयल ने कहा कि मौसम की खराबी की एडवाइजरिंग की वजह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह नहीं आ पाने पर खेद जताया और उनकी तरफ से हिमाचल के लोगों और निवेशकों को बधाई दी। गोयल ने कहा कि इस प्रदेश ने देश और दुनिया को कई मायनों में सबक दिया है और अब समय आ गया है कि हिमाचल प्रगति पर तेजी से आगे बढ़ जाए, हिमाचल को प्रगति पर तेजी से आगे ले जाया जाए। 93,000 करोड़ के MOU इस मीट के भीतर होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। हिमाचल जल्द ही पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त होने जा रहा है। सर्वे में हिमाचल के क्षेत्रों में आगे रहना यहाँ के विकास और उन्नति का संकेत है। गोयल ने कहा कि 10 मुख्य सिद्धांतों पर देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है, इतनी समस्याओं के बावजूद मैं समझता हूँ इतना बढ़िया आयोजन जयराम ठाकुर जी और सभी हिमाचल वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन, इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन, 93,000 करोड़ के MOU और आप सबका भी सहयोग के लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सरकार प्रतिबद्ध है सफल बनाने में, वो 100% इन MOUs को जमीन पे धरातल पे उतारने में सफल।